So if you guys planning to study MBBS from abroad, then you came to the right place. Hi everyone, welcome back to our channel. This is me, Khushbu Verma. और आज के इस वीडियो में हम एक और रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं. उसकी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी. सो गाइज, कॉलेज का नाम है पिरोगोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी. और अब हम देखेंगे इसका फ़ी स्ट्रक्चर. सो गाइज, ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें पहले साल की, दैट इज़ योर 5,39,000. एज यू कैन सी, यहाँ पे आपको पाँचों साल तक, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, पाँचों साल तक आपको 5,39,000 पे करना है. अब अगर आप एकोमोडेशन यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो हॉस्टल की फ़ी है वो अलग रहेगी. अगेन 21,000 आपको पाँचों साल तक पे करना है इंडिविजुअली. मेडिकल रजिस्ट्रेशन वीज़ा अगर हम देखें, दैट इज़ 10,500, अगेन पाँचों साल तक. वन टाइम पेमेंट है आपका 70,000. और इसमें क्या क्या चार्जेस इंक्लूड होते हैं, दैट आई लेट यू नो. ट्रांसलेशन प्लस अटेस्टेशन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 7,000 होता है. तो ईयरली एक्सपेंस आपका पहले साल का कितना आ गया, 6,47,000. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का सेम है, दैट इज़ 5,70,500. सो यहाँ पे दो चीज़ ऐड हो रही है आपकी, वन टाइम चार्जेस और दूसरा अटेस्टेशन फ़ी, राइट. तो अब अगर हम पाँचों साल की फ़ीस मिला के देखिए तो दैट गोज 35 लाख स्ट्रेट. अब करंटली क्या रेट है आपका, दैट इज़ RUB इज़ इक्वल्स टू योर 0.69 रुपीज़. तो अब हम नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि यार आपके और क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है. सो अब इसके अलावा भी यू नो स्टूडेंट्स के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं कि यार इन यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्निशन कहाँ से मिला है, किस ऑर्गेनाइजेशन से मिला है. तो वो सारी चीज़ें आप हमारे काउंसलर से क्रॉस चेक कर सकते हो कि यार मैम हमें नहीं पता कि यार इस यूनिवर्सिटी में यू नो किस से इसका एफिलिएशन है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इतने सालों से ये MBBS करा रही है तो क्या वाकई यू नो स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा है नहीं. इन डिटेल जो भी आपके सवाल है वो आप इस प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के थ्रू पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. सो अगर आप चाह रहे हो पर्सनल काउंसलिंग के लिए, गाइज हम यहाँ पे बैठे हैं आपके जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है सॉल्व करने के लिए. सिर्फ आपको अपने डाउट्स पूछना है, आप कॉमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं. सो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, हमारा 2,50,000 भी एड ऑन होगा, ठीक है. सो इसमें क्या क्या आ जाता है, प्रोसेसिंग चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और आपका इन्विटेशन लेटर. लाइक आई हैव ऑलरेडी मैंशन, अगर आप हॉस्टल फ़ी भी लेते हैं, सॉरी हॉस्टल एकोमोडेशन लेते हैं, तो उसके लिए आपके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपके मेस चार्जेस एंड हॉस्टल फ़ी भी लगेगा. सो यहाँ पर इस वीडियो में हमने बात की है इसके सिर्फ ऑफिशियली फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप और भी कुछ जानकारी चाहते हैं एंड यू नो बहुत सारे सवाल होते हैं कि यार हमें हमारी प्रोफाइल के हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में इशू हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि अब्रॉड में कौन सी यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले, सो फॉर दैट ये जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल कर सकता है. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो उसे शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड relatives ke saath. So I am going to see you in the next video. Till then, bye bye, take care, thanks for watching. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.